स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये है त्रिपुरा का सदर्न मोस्ट पॉइंट और ये है वेस्टर्न इंडो पैसिफिक में लोकेटेड बे ऑफ बंगाल, जहां से त्रिपुरा का सदर्न मोस्ट पॉइंट पेनी नदी के अक्रॉस सिर्फ 25 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। आज नॉर्थ बंगाल में लोकेटेड इंडिया की ज्योग्राफिकल वीकनेस सिर्फ 22 किलोमीटर वाइड सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन स्नेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डिफेंस में एक बड़ी प्रॉब्लम है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सिक्योर एंड वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है चिकन स्नेक के अल्टरनेटिव्स जैसे कि अगरतला अखूरा रेल लिंक, केटुलिया कॉरिडोर, फेनी रिवर परमाई 3-2 और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। दोस्तों, सिविल राइट एक्टिविस्ट माया एंजेलोनी ने कहा है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, एंड अगर ये सभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो बढ़िया है, ऑल द बेस्ट, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन सभी अल्टरनेटिव्स या तो दूसरे देशों जैसे कि बांग्लादेश और म्यांमार की टेरिटरी से निकलते हैं या फिर लॉन्गर रूट्स की वजह से इम्प्रैक्टिकल हैं। हेंस इंडिया के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से वॉर के केस में ये अल्टरनेटिव्स काम नहीं आई हैं। हेंस इंडिया की चिकन स्नेक प्रॉब्लम के दो ही सोल्यूशन बचते हैं, या तो चिकन स्नेक को वाइट करके टाइगर्स पॉ बना दिया जाए, और इस टॉपिक पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं जिसको आप यहां देख सकते हैं, या फिर दूसरा रास्ता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बे ऑफ बंगाल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, जिसके लिए हमें इस पीस ऑफ लैंड की जरूरत है। यह है त्रिपुरा का सदर्न मोस्ट विलेज हरबतली और इसकी सदर्न टिप से बे ऑफ बंगाल सिर्फ 25 किलोमीटर दूर लोकेटेड है और यह पीस ऑफ लैंड पार्ट है चिटगोंग हिल ट्रैक्ट का। तो क्या बांग्लादेश में चल रही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, क्या उसका फायदा उठाकर हमें आज चिकन स्नेक को एक्सपैंड करने के साथ साथ इस पीस ऑफ लैंड पर भी ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बारे में कोई पॉलिटिकल रीजंस के चक्कर में बात नहीं करता है, लेकिन ट्रुथ इज ट्रुथ, जिसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोशिश करें कि इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर भी करें, क्योंकि इस रीजन और यहां पर चल रहे जेनोसाइड पर किसी का भी ध्यान नहीं है। ये हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी GS2, GS3 और SA के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले, और दोस्तों इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है, और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया है P2Y फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू का P2Y फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RTLIFE का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। बांग्लादेश, लोअर गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में लोकेटेड ये देश फ्लैट प्लेन्स और लश ग्रीन पैडी फील्ड्स के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश का एक ऐसा हिस्सा भी है जहां आपको हिल्स, डीप जंगल्स और शांत झीलों के साथ साथ बहते हुए झरने दिखाई पड़ते हैं? चिटगोंग हिल ट्रैक्ट CHT, जो बांग्लादेश के सदर्न ईस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है और कवर करता है रंगमती, खगराछारी और बंदरबान डिस्ट्रिक्ट्स को। ये एरिया जो लगभग 13,184 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, बांग्लादेश के टोटल एरिया का 1/10 है। चिटगोंग हिल ट्रैक्ट म्यांमार के साउथ ईस्ट, इंडिया के त्रिपुरा और मिजोरम के स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वेस्ट में चिटगोंग डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है। ये जगह बांग्लादेश का एक लौता एक्सटेंसिव हिली एरिया है जहाँ के माउंटेन्स रगतरीन इस देश को बाकी फ्लैट एरिया से बिल्कुल अलग बताते हैं। रंगमती डिस्ट्रिक्ट के अंदर कप्ताई लेक, जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी मैनमेड लेक है, आपको देखने को मिलती है और यहाँ के लैंडस्केप को और भी मेस्मराइजिंग बना देती है। बंदरबान डिस्ट्रिक्ट में इस हिल ट्रैक में आपको बांग्लादेश की हाईएस्ट पीक तजिन डोंग भी देखने को मिलती है। इस रग टेरेन के पीछे एक और कहानी है जो लोगों की डेली लाइफ को शेप करती है। देखिए, CHT में रहने वाले इंडिजीनियस कम्युनिटीज जैसे कि चकमा, मरमा, त्रिपुरी, म्रो और बहुत सारे दूसरे लोग अपनी यूनिक कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ यहां सेटल्ड हैं। ये लोग बांग्लादेश के मेन स्ट्रीम से अलग हैं,
अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को आज भी जीते हैं और इनके फेस्टिवल्स, आर्ट, क्विजीन एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं जो शायद देश के बाकी हिस्सों में देखने को नहीं मिलता। ये रीजन हमेशा से एक वॉर जोन रहा है जहां अराकन किंगडम, चकमा किंगडम और तुईपाड़ा किंगडम के बीच स्ट्रगल चलती रहती थी। 15th सेंचुरी की शुरुआत में चकमा लोग अराकन से यहां आए थे। जब रखीन किंगडम के हाथों उनकी हार हुई, चकमा ट्राइब आज भी चिटगोंग हिल ट्राइब की सबसे बड़ी ट्राइब है। मर्मा ट्राइब यहाँ की दूसरी बड़ी ट्राइब है जो अगेन बर्मा से ही आए थे, जब अराकन रीजन को बर्मीज किंग बुडाफ पाया ने जीत लिया था। इस रीजन पर कभी चकमा किंग का शासन था, लेकिन मुगलों के साथ भी उनका टकराव होता रहा। एक समय ऐसा आया जब चकमा किंग ने मुगलों से समझौते किए और उनको ट्रिब्यूट के रूप में कॉटन यानी कि कपास देनी शुरू की। मुगल और अर्ली ब्रिटिश रिकॉर्ड्स इस रीजन को जमबुंगो या फिर कपास महल के नाम से जानते हैं। 1787 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चकमा राजा के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करने के बाद इस रीजन को अपना ट्रिब्यूटरी स्टेट बना लिया। ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने चकमा क्वीन कालंदी रानी की पावर को कमजोर करने के लिए इस रीजन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चकमा सर्कल, मोंग सर्कल और बोहमोंग सर्कल। 1860 में ब्रिटिश ने चिटगोंग हिल ट्रैक्ट को ऑफिशियली एनेक्स किया और इसे ब्रिटिश इंडिया गेट ब्रिज कंट्रोल में ले आए और कोस्टल टाउन चिटगोंग के पास होने की वजह से इस टेरिटरी का नाम चिटगोंग हिली ट्रैक्ट दिया गया। और 1947 का पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिर्फ जमीन का नहीं, लोगों के सपनों और आस्थाओं का भी था। और दोस्तों, आप सुनकर ये बात हैरान हुए कि चिटगोंग हिल ट्रैक्ट यानी कि CHT पाकिस्तान को दे दिया गया। ये रीजन 97% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन का घर था। इसमें ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट थे। ये लोग सोचते थे कि उनका घर उनकी धरती इंडिया में रहेगी, लेकिन जब बंगाल बाउंड्री कमीशन ने बाउंड्रीज डिसाइड की तो CHT पाकिस्तान को दे दिया गया। इस डिसीजन के पीछे का रीजन ये दिया गया कि ये एरिया इंडिया से इनएक्सेसिबल था और चिटगोंग जो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी उसके लिए ये एक रूरल बफर जोन बन सकता था। 15th अगस्त 1947 को जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था, तब चकमा और दूसरे इंडिजीनियस बुद्धिस्ट ट्राइब्स ने रंगमती जो CHT की कैपिटल थी वहां पर इंडियन फ्लैग को हॉइस्ट किया। ये उनके लिए अपनी आस्थाओं और पहचान का प्रतीक था। लेकिन सिर्फ दो दिन बाद जब रेडियो पर यह अनाउंस किया गया कि CHT पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, तो इन लोगों के सपने बिखर गए। एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तानी आर्मी की बलूच रेजिमेंट ने CHT में एंट्री की और बंदूक की नोक पर इंडियन फ्लैग को उतार दिया। CHT के लोग इस डिसीजन से इतने निराश हुए कि उन्होंने स्नेहा कुमार चकमा के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दिल्ली भेजी। ये डेलीगेशन सरदार पटेल से मदद मांगने गई। सरदार पटेल ने मदद का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन कहा कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नेहरू से भी बात करनी पड़ेगी। नेहरू जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के खिलाफ थे, उन्होंने इनकी मदद करने से मना कर दिया। इस बेचैनी के दौरान पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने CHT में मैसिव सेटलमेंट पॉलिसी लॉन्च की। ये पॉलिसी इंडिजीनियस पॉपुलेशन की डेमोग्राफी बदलने के लिए थी। 1971 में जहां इस रीजन में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन 98% थी, 2000 आते आते सिर्फ 50% रह गई, जो कि जेनोसाइड से कम नहीं। तो दोस्तों, आज क्या हमें बांग्लादेश में पॉलिटिकल केओस और माइनॉरिटीज पर हमलों को देखते हुए हिम्मत करके इस रीजन को बांग्लादेश से आजाद करा देना चाहिए या फिर नहीं, चलिए जानते हैं। देखिए, इस मुद्दे पर हम दो ग्रुप्स ऑफ थॉट्स के एक्सपर्ट्स की राय देखेंगे। पहले एक्सपर्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें आज डेफिनेटली इस रीजन को बांग्लादेश से अलग करने की रिक्वायरमेंट है। CHT की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस रीजन को साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक कनेक्टिंग ब्रिज बनाती है। इस रीजन का इंडिया में एसिमिलेशन हमारे ट्रेड रूट्स और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को और मजबूत बना सकते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे त्रिपुरा और मिजोरम को बे ऑफ बंगाल का डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे इंडिया की ज्योग्राफिकल वीकनेस चिकन्स नेक पर तो प्रेशर कम होगा ही, लेकिन साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बे ऑफ बंगाल का डायरेक्ट एक्सेस भी मिलेगा। साथ ही साथ बांग्लादेश में मिलिट्री कू के बाद इम्पेंडिंग इमिग्रेशन क्राइसिस जो इंडिया के सर पर खड़ा है, उसे मिनिमाइज किया जा सकेगा और इस रीजन में बांग्लादेशी माइनॉरिटीज को बसाया जा सकेगा। और तो और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एरिया हिस्टोरिकली एक कॉन्फ्लिक्ट जोन रहा है और पास्ट में एंटी इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप्स इस रीजन को हमारे खिलाफ यूज कर चुके हैं, हेंस CHT पर कंट्रोल भारत की सिक्योरिटी को और मजबूत कर सकता है। CHT के इंडिजीनियस लोग जैसे चकमा कम्युनिटी का भारत के नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ गहरा कल्चरल और एथनिक कनेक्शन है।
इसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश में चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव देखने को मिल रहा है। सीएचटी पर कंट्रोल भारत के लिए एक बफर जोन क्रिएट कर सकता है जो चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर एनक्रोचमेंट को रोकने में मददगार हो सकता है। देखिए सीएचटी टिम्बर बैम्बू और मिनरल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। इन रिसोर्सेज पर भारत का कंट्रोल नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज को तो बूस्ट करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इस रीजन में खुशहाली भी लाएगा। पार्टीशन के पहले सीएचटी भारत के साथ क्लोजली लिंक्ड था। ये एरिया भारत को मिलना चाहिए था क्योंकि 97% पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम थी। हेंस इस रीजन का भारत में ऐसे मिलेशन हिस्टोरिकल रॉन्ग को ठीक करने जैसा होगा। सीएचटी के इंडिजीनियस कम्युनिटीज को बांग्लादेश के शासन में जेनोसाइड का सामना करना पड़ा और त्रिपुरा एंड मिजोरम के अपने ब्रिथरन के साथ यहाँ के लोग बेटर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया का इस रीजन पर कंट्रोल बांग्लादेश के चाइनीज कंट्रोल्ड बोट जैसे कि INS शेख हसीना और चट्टोग्राम पर बेटर ओवरसाइट दे सकता है, जो चाइना के इस रीजन में एम्बिशंस को नेस्ते नाबूद कर सकता है। हेंस इस ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आज हमें इस रीजन को अपने कंट्रोल में लेना काफी इम्पोर्टेंट है और इंटरनेशनल सैंक्शंस की चिंता ना करते हुए चाइना की तरह हमें ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों ये बात होती है फर्स्ट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की। चलिए बात करते हैं सेकेंड ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। देखिए इनके अकॉर्डिंग सीएचटी को कैप्चर करना बांग्लादेश की सुवरेनिटी का उल्लंघन होगा जो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जाता है एंड हेंस रशिया एंड ईरान की तरह हमें सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। ये सैंक्शंस भारत की इकोनॉमी खासकर आईटी और फार्मा सेक्टर्स को सीवियरली इंपैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा बोल्ड स्टेप लेने के लिए जरूरत है सेंटर में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो कि आज हमारे पास नहीं है। आज डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के चलते भारत और बांग्लादेश के बीच $11 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है। सीएचटी को कैप्चर करने के बाद इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते तो डेफिनेटली बिगड़ेंगे ही, साथ ही साथ बांग्लादेशी पॉपुलेशन डेफिनेटली एंटी इंडिया हो जाएगी जिसका असर ट्रेड और रीजनल कोऑपरेशन पर पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस रीजन में मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद हमें बांग्लादेशी मिलिट्री इंडिया के चिकन स्नेक को टारगेट करते हुए दिखाई दे सकती है। हेंस ऐसे स्टेप से पहले हमें बांग्लादेश के साथ अपने 4000 किलोमीटर से लंबे बॉर्डर पर पूरी तरह से तैनात होने की आवश्यकता है और ऐसे ऑपरेशन बिलियन ऑफ डॉलर्स कॉस्ट करेंगे जो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल सैंक्शंस के साथ इंडियन इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर साबित हो सकते हैं। सीएचटी को कैप्चर करने से लोगों का मास डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जैसे 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के वक्त हुआ। ऐसी हालत भारत के रिसोर्सेज को स्ट्रेन कर सकती है और एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकता है। इंडिया के इन स्टेप्स के बाद चाइना भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी को म्यांमार के थ्रू बढ़ावा दे सकती है जो ऑलरेडी खराब सिक्योरिटी सिचुएशन को बद से बदतर बना सकता है। भारत की इमेज एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में एक सीवियरली डैमेज हो सकती है। 2014 में क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद रशिया पर जो सैंक्शंस लगे वैसा ही सैंक्शंस भारत पर भी लग सकते हैं जिससे इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना करना पड़ सकता है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली आज इंडिया ऑलरेडी 2.5 फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है और इसी वजह से इस स्टेप के बाद बांग्लादेश के साथ एक नया फ्रंट खुल जाएगा। देखिए ऑलरेडी हम 31 फाइटर स्क्वाड्रन से काम चला रहे हैं जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 फाइटर स्क्वाड्रन की है। ऐसे ही आर्मी की 14 कोर में मैन पावर की कमी है। पहले बे ऑफ बंगाल को भी सिक्योर करने की जरूरत पड़ेगी जो हमारी ऑलरेडी स्ट्रेच नेवी के लिए एक डिफिकल्ट टास्क साबित होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ चाइना का एग्जाम्पल देखें तो चाइना का एग्रेशन 2013 के बाद इंक्रीज हुआ। ऑलरेडी चाइना साउथ चाइना सी में इंटरनेशनल कोर्ट जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग को नहीं मानता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी देश के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है तो वो अपने गोल्स को एग्रेसिव तरीके से परस्यू कर सकता है चाहे वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। इसलिए भारत को अभी अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को ऐसे ही मजबूत करने की जरूरत है ताकि हम फ्यूचर में अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरी शक्ति के साथ प्रोटेक्ट कर सकें। हेंस हमें पहले इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इन दोनों ग्रुप्स में से आप किसके साथ सहमत हैं कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 20,000 लाइक्स के। तब तक के लिए नमस्कार, मिलूंगा आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।